हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम बाइक लेके अपनी दोनों लेके निकल चुका हूँ। आज हम जा रहा हूँ जम्मू, क्योंकि आज लेना है मुझे अपना आईफोन 11। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि मैंने वो उसकी स्क्रीन टूटी थी, तो मैंने ठीक कराने के लिए दिया हुआ था। अभी थोड़ा पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल कम हो गया फ्यूल अभी। शायद पता नहीं रेट क्या चल रहा है, फ्यूल पेट्रोल के रेट तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद पहले भी 1-2 लीटर है तेल टंकी में, लेट मी चेक, होना तो चाहिए यार। हाँ तेल तो है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि मेरा आईफोन 11 की स्क्रीन डलवाने के लिए दिया हुआ था मैंने अनिल कम्युनिकेशन, जो कि बाहू प्लाजा में है। अभी हम वही लेने जा रहे हैं। आज टाइम दिया था उन्होंने कि 10 बजे तक दुकान खुली है, उससे पहले पहले आके अपना फ़ोन ले लें। सो आज हो गया मैं थोड़ा लेट, क्योंकि रात को कर रहा था एडिटिंग और वीडियो चढ़ाई, जो कि उसी दिन की थी। रात को बैठ के 12-1 बज गए वीडियो, और पबजी भी खेली थोड़ी। अभी चलते चलते आपसे बात करते हैं। इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, जब ये कंप्लीट होगा तभी इधर मज़ा आया करेगा बाइक चलाने का। अभी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है रोड की, मेरा तो मन ही नहीं करता इस रोड पे बाइक चलाने का, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है। इन ट्रकों को ओवरटेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं और सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता इनकी वजह से, क्योंकि ये आधे रोड पे तो चल रहे होते हैं, जैसे बाहर वाली साइड होते हैं फिर कोई गाड़ी आ जाती है से भाई दूर दूर से ही। अभी ओवरटेक करना, पहले पूरा कंफर्म कर लेना कि आगे कोई है नहीं है, फिर ही मैं ओवरटेक करता हूँ। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। ये हो गया डैम्पर होंगे, इनसे दूर दूर से ही निकलता हूँ मैं, क्योंकि ये हवा भी बहुत छोड़ते हैं ये। एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे आगे जा रही है, देखो ये पुलिस वाले ने बाइक चला रहा लेकिन हेलमेट हाथ में रखी हुई है, और हमें बोलते हैं कि हेलमेट डाल के बाइक चलाया करो, नहीं तो आपके चलान कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं। ज़रा कोई इसको पूछे तो सही कि भाई क्या रूल हमारे लिए बने हैं, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है भाई, थोड़ी सेफ्टी के लिए भी तो देख ले। और एक ये भी है, ये तो मैन ऑफ द डे है, इसको पता नहीं कौन सी इतना ज़रूरी कॉल है या कौन सा इतना ज़रूरी मैसेज टाइप करना है, कि जो इतनी फास्ट बाइक चला रहा है लेकिन फिर भी इसको मैसेज भी कर रहा है और बाइक भी चला रहा है। अच्छे से देखना, इसके हाथ में फ़ोन है वो। मैंने बोला कुछ नहीं, क्योंकि आजकल बोलने का टाइम नहीं है। आजकल जम्मू जाने का भी एक मज़ा हो गया, पूरा का पूरा रोड ही खाली मिलता, सुनसान गलियाँ। कि कोई एक टाइम था कि जब इस रोड पे चलना मतलब कि इतनी भीड़ होती थी ना, कि आप गाड़ी हो तो समझ लो कि आपका 1 घंटा लगेगा लगेगा, बाइक हो तो आधे घंटे में निकल जाओगे। लेकिन अभी मैं इतनी तेज़ चला रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई जे एन के में ये सबसे जम्मू में ज़्यादातर ये मुझे अच्छा लगता है कि जो ये ब्रिज के नीचे इन्होंने ये जो पेड़ से लगाए हैं पौधे छोटे छोटे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं इनके पास से गुजरता हूँ।
इधर एक अंकल को शायद तार नहीं दिखी या कुछ तो कुछ हुआ है। उन्होंने गाड़ी सीधी की सीधी ये फेंसिंग टाइप की लगाई हुई थी इन्होंने, पुलिस वालों ने, अंकल ने पूरी गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है। और वो तार इतनी बुरी तरह उलझी हुई है उनकी गाड़ी में, आई होप कि वो निकल जाए जल्दी से जल्दी तो कुछ ना हो। गाड़ी को तो चलो होता है होता है, हम पहुंचने वाले हैं पार्क प्लाजा और अभी मिल जाएगा फोन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और लाऊं। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और ये रहा हमारा फ़ोन जो एकदम ठीक हो चुका है।